वेस्ट डाउजन जाने का रोड यही है, आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये साइन बोर्ड इधर लगा हुआ है, ये डाउजन बोल के इधर जंगल का सब जंगल की जंगली का जानवर ये सभी निकल रहे कभी कभी, तो यही है डाउजन रोड। फाइनली पहुंच गया है डाउजन में, ये देखो चारों तरफ नजारा ही नजारा है, थोड़ा सा मजा लेते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा हम भी, तो आज पहली बार आया है, तो आप लोग देखो मतलब ये पहले पहाड़ से आ रहा है अभी ऊपर से, हम मुझे भी इतना मालूम नहीं ऊपर से, लेकिन ये पानी आ रहा है, तो आप लोग देखो गाइस कैसा है प्लेस, बहुत बढ़िया है ना, जिसको बोल रहे ये डाउजन डाउजन जगह बोलते हैं उसका ये जगह का नाम। अगर आप लोग कहीं से भी आने से अगर आप लोग आएगा तो आप लोग उदलगुरी से होके आ जाइएगा, तो अभी आप लोग देखो और उधर देखो कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है हम लोगों को, बहुत बढ़िया है। वेलकम टू डाउजन, तो आप लोगों को कैसे लगा डाउजन में ये लोकेशन आप लोगों को दिखा रहे, व्यू कैसे लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट दीजिएगा, और आप लोग अगर यहाँ कभी भी आएगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा और आगे जाके, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक बने रहेगा। तो अभी तो मैं ये जूता भी पहन के रखा है, तो चप्पल लाने भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं मैं चला जाएगा, जूता खराब होने से कोई बात नहीं, मैं चला जाएगा पैदल। ये गाइस अभी मैं जा रहा है भीग के, तो मैं उधर थोड़ा ये आगे में जाऊँगा, उधर आगे ये जो ये मछली पकड़ रहा है ना, तो मैं इसको पूछूँगा थोड़ा वो मछली कैसे मिला कि नहीं मिला है, मैं वो पूछूँगा मैं इसको, तो क्योंकि जो पहाड़ का जो मछली होता है ना, तो पहाड़ का मछली खाने के लिए भी बहुत टेस्टी होता है, और बहुत मतलब इतना टेस्टी होता है ये समुद्र का जैसा नहीं है, पहाड़ का जो मछली लोग जो मिल जाए ना जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, देखो गाइस अभी मैं जा रहा है उस पार में जाने के लिए कोशिश करेगा, तो मैं पूछूँगा ये अंकल को कि मछली मिला कि नहीं मिला, लेकिन देखो गाइस मैं कैसे जा रहा है पैदल में, लेकिन मेरा सुई देखो पूरा ख़राब पूरा भीग गया मेरा, फिर कोई बात नहीं नया ले लेगा है कि नहीं। मस्त जोक मारा रे अंकल, जो अभी जो ये मछली पकड़ रहे हैं अंकल, तो मैं इसको पूछूँगा थोड़ा, ये देखो कैसे पकड़ रहा है, ये देखो गाइस अंकल अभी मछली पकड़ रहा है, मिला कि नहीं मिला देखेगा, अरे मिल गया, देखो गाइस ये हम लोग नदी में ये नदी का पानी मछली कैसे होता है, रोज आता है ना अंकल पकड़ने के लिए, कभी कभी पानी का दाह में साथ आता है। अच्छा कभी कभी ना, तो कितना कितना मिलता है ऐसा? अच्छा अच्छा, ए भाग गया भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा नहीं भागेगा, देखा तो ये पहाड़ का मछली कैसा है। हाँ अच्छा, ये देखो गाइस ये हम लोग का पहाड़ एरिया का मछली ये ऐसा होता है, और है और अंकल ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी, ये भूटान से आ रहा है। अच्छा भूटान से, अच्छा ये देखो गाइस, अच्छा ये पहाड़ का जो मछली आप पकड़ रहे हैं ये खाने में कैसा लगता है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना। तो गाइस आप लोग सुने दे रहे ना मैं जो बोला पहले कि पहाड़ का जो हम लोग मछली जो मिलता है जो खाते हैं ना वो बहुत अलग टेस्टी होता है हम लोग यहाँ का मछली लोग। तो अभी ये भैया को मैं पूछा ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो भैया ने बोला ये पानी भूटान से आ रहा है, ये भूटान यही है आप लोगों को जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो ये भूटान का पहाड़ है, लेकिन भूटान उसका आगे है भूटान, लेकिन हम लोग सिर्फ मतलब ये पहाड़ को दिखा सकेगा लेकिन उसके आगे तो जा नहीं सकेगा, तो आप लोग देखिएगा इस Ooh.
आप लोगों को दिखा रहे पानी में जाके, देखो ओ मां, देखो गाइस मेरा सूट ऊपर पानी चला गया, ये अंदर में पानी घुस गया गाइस, सॉरी पानी चला गया नहीं, अंदर में पानी घुस गया। देखो आप लोगों को दिखाएगा, ये देखो अंदर तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी डर लगता है अगर अचानक से कहीं से अगर कोई जानवर मतलब जंगल का शेर ये टाइगर ये सब आ गया तो हाथी ये सब निकल गया तो आ गया तो मैं किधर भागेगा, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है। फिर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगा उधर, ये तो मतलब यहाँ सामने कहीं भी आप लोगों को घर ये सब गांव साम नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ मतलब माउंटेन एरिया है। ये देखो गाइस इधर से पानी आता है जब मतलब बारिश का टाइम में, तो ये पहाड़ से ये पानी पूरा नीचे में जाता है, तो ये पानी का ये रास्ता, तो ये भूटान से आता है ये पानी, तो अभी तो फिलहाल अभी सूख गया है, अभी नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है पानी, कोई भी नहीं है गाइस, देखो फिर मैं अकेला आ रहा है यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को तो मैं दिखा दिया, पीछे मेरे पीछे में भी कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया। देखो गाइस मुझे तो बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत डर लग रहा है मुझे और आगे जाने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो गाइस फिलहाल पानी अभी इतना पानी नहीं है, जब बारिश का टाइम में होगा ना तो बहुत मतलब पानी आता है, बहुत बन पानी का जैसा आता है यहाँ से। फिलहाल अभी तो बारिश भी नहीं है तो पानी भी कम है, और भूटान से जब मतलब बारिश आता है ना तो भूटान से ये पानी आता है पूरा मतलब फ्लड होके आता है। ये देखो मतलब ये हो गया ये पानी का रास्ता, ये जो आप लोग ये दिखाई दे रहा है ये इधर से मैं सीधा जाएगा तो भूटान मिल जाएगा मैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हो गया भूटान बॉर्डर बोल रहे हैं इसको, ये भूटान बॉर्डर है ये हम लोग का मतलब ये असम से ये सीधा जाने से आप लोगों को भूटान मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत दूर है ना भूटान, लेकिन यही है भूटान का सीमा है। तो हेलो गाइस वेलकम टू डाउजेन, आप लोगों का मेरे तरफ से स्वागत है, आप लोग ज़रूर यहाँ आके देखिएगा हम लोग का ये डाउजेन, ये हो गया हम लोग का डाउजेन, आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा। तो फिलहाल अभी तो इतना मतलब आदमी नहीं है, बहुत कम है, जब दिसंबर जनवरी फरवरी को ये सब में ये सब महीने ये तीन महीने आने से इस समय बहुत आदमी आता है यहाँ पिकनिक ये सब पार्टी शार्टी ये सब होता है, तो यहाँ छोटा मोटा पिकनिक प्लेस भी है, तो शायद अभी तो इतना आदमी नहीं है, बहुत कम है। तो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा है, तो गाइस आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट दीजिएगा, और जो मेरा वीडियो को जो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना, और जो नया लोग जो मेरा वीडियो को देखेगा तो प्लीज़ मैं उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना भूलना मत, आप लोगों को मैं नया नया वीडियो ऐसे ही मैं लाते रहेगा और कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को नया नया वीडियो लाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद लगा, तो प्लीज़ मुझे ऐसे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए।